वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशू खान। आप लोग फिर बोलोगे सेम ड्रेस में, पर मैं बताती चलूँ यार, मेरी अपनी फैमिली है, बच्चे, घर वगैरह, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिल्म यानी एक वीडियो बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसको एडिट करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लगता होगा अगर मैं सेम ड्रेस में या सेम मेकअप में एक दो वीडियोस बना के अपलोड करूँ। बट मेरा इंटेंशन ही यही होती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मेरी ये इंटेंशंस होती हैं जो कि मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को पहुंचाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ईद शॉपिंग। अच्छा, कुछ गर्ल्स जो है, लास्ट मेरी ईद शॉपिंग थी तो वो बोल रही थी कि इतनी फजूल खर्ची तो किसी गरीब को ही आप पैसे दे दें। तो मैं चंदा उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि सदका खैरात जो है वो अपनी जगह है। जो पैसों की चीज़ें मैं लेती हूँ उनके लिए मैं काम करती हूँ, बेशक मैं दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाती हूँ, तो मुझे पूरा हक है उसे खर्च करने का। सदका खैरात माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सदका और खैरात भी हर महीने हम करते हैं। मैं करती हूँ, अपने बच्चों का सदका देती हूँ, अपने हस्बैंड का सदका देती हूँ, पता नहीं वो मेरा देते हैं कि नहीं देते उसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इन लोगों का मैं देती ही देती हूँ। अपने बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर हमेशा उनका सदका या खैरात जो भी है वो मैं महीने में देती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपनी ईद शॉपिंग दिखाती हूँ कि ईद में मैंने क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। एक्चुअली मैं अपनी ही शॉपिंग दिखाऊंगी, बच्चों की और हस्बैंड की दिखाऊंगी, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जानी है। सिर्फ अपनी दिखाऊंगी और शूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो शूज़ हैं वो मैं दिखाने चाहूँगी वो है फ्रॉम स्टाइलो, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे यहाँ पे स्टाइलो और मेट्रो के अलावा और कोई भी शॉप नहीं है। लाइक ब्रांडेड शॉप्स का तो कोई नाम ही नहीं है, ECS भी है यहाँ पे। तो जो पहले फ्लैट शूज़ मैंने ख़रीदे हैं वो हैं ये, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे ब्लैक ड्रेसेस लिए हैं और ये उनके साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं और मेरे पैर पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अपने मुंह में या मिट्टू बन के आपको बताऊंगी, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली स्टाइलो से मुझे एक सिर्फ ये शिकायत है कि इनके शूज़ जो हैं वो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं लेकिन ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं, लाइक उखड़ बहुत जल्दी जाते हैं। तो एक ये गिला है मुझे स्टाइलो से, पर क्या करें जब यहाँ पे और कोई नहीं है तो स्टाइलो ही है, तो वहीं से चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं हमें। देन द नेक्स्ट मैंने हील्स ख़रीदे हैं, वो भी सेम स्टाइलो से ही ख़रीदी हैं मैंने। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट स्ट्रैप जो है मस्टर्ड कलर में है और ये जो है जीन्स कपड़े में है, जीन्स या जीन्स स्ट्रैप है इसकी। हील जो है इसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि मैं हाई हील्स में अब चल नहीं सकती, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए इसे पहनना चाहते हो, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो बहुत ही इरिटेट करेंगे ये आपको, क्योंकि ये मैंने 14 अगस्त को पहने थे जब मैं बाहर गई थी, गीगा मॉल गई थी, और मेरी टांगे दुख गई थी कसम से, क्योंकि अब मैं हाई हील्स बिल्कुल नहीं पहन सकती। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सेंड किया है फ्रॉम कराची, तो उसका नाम है जन्नत मीर। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, उसकी वो भी एक ब्लॉगर है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। काइंडली फॉलो हर, क्योंकि वो इतनी स्वीट बंदी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसने मुझे गिफ्ट सेंड किया है फ्रॉम कराची। तो बाय द वे ब्रांड से उसने मुझे चीज़ें सेंड की हैं। सबसे पहले उसने मुझे शूज़ सेंड किए हैं, अब इसको बोलते क्या है, म्यूल्स और समथिंग। तो ये पेयर ऑफ शूज़ उसने मुझे सेंड किए हैं एंड आई लव 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 दीज, क्योंकि जो मैंने नया सूट ख़रीदा है J.Dot का, बिल्कुल उसके साथ मैचिंग शूज़ हैं ये। द थिंग इज़ जो कि स्टाइलो के जो दूसरे शूज़ थे उनकी प्राइजेज, लाइक वो ब्लैक वन जो था वो मेरे ख्याल से 1300 समथिंग है, वो जो हील वाला है वो 1600 का मुझे मिला था। एंड आई लव दीज, थैंक यू सो मच जन्नत फॉर सेंडिंग दीज। और साथ ही साथ जन्नत ने मुझे एक क्लच सेंड किया है फ्रॉम बाय द वे ब्रांड। तो इन दोनों की प्राइजेज जो है वो मुझे पता नहीं है, बिकॉज ये उसने मुझे गिफ्ट सेंड किया है और ये जन्नत को ही पता होगा। तो ये प्लास्टिक एक क्लच है जिसको आप स्लिंग बैग की तरह भी पहन सकते हो, लाइक ये चेन है इसके साथ और बहुत ही प्यारा है। आई जस्ट
लव 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 इट. थैंक यू सो मच जन्नत. देन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक्सेसरीज. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई थी एक्सेसरीज फर्स्ट और बाद में बाकी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन इस बार मैंने अपने शूज़ आप लोगों को पहले दिखाए क्योंकि शूज़ पिछली बार मैंने आपको नहीं दिखाए थे तो छोटी ईद पे. तो इस बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी. तो ये रहा फर्स्ट. तो जो पहला पेयर है इयररिंग्स का, ओ माय गॉड, देख सकते हो कितनी खूबसूरत है ये. अभी मैं पहन लेती बट अभी मैंने सिर्फ ये वाली इयररिंग्स पहनी हुई है. ये भी बहुत प्यारी है. इसके इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. ये मेरे ख्याल से फोक बाय जरमीना उमैर के इंस्टाग्राम पेज ने मुझे सेंड किए थे एंड आई लव दीज. तो ये मैं अपने एक ड्रेस के साथ पहनूंगी, हो सकता है इस ड्रेस के साथ ही पहन लूँ. ये मैंने सेलेटेक्स का वो येलो वाला ड्रेस पहना हुआ है फ्रॉम देयर फॉस्टीना कलेक्शन. तो द सेकेंड इयररिंग्स जो कि आप लोगों ने मेरे ईद मेकअप लुक में देख लिए होंगे, ये मैं लाइम लाइट के ड्रेस के साथ पहनूंगी. इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इसमें सिर्फ यही एक कलर है और कलर्स नहीं थे इसमें. देन थर्ड थिंग, माय मोस्ट फेवरेट थिंग, जो कि जरमीना उमैर के इंस्टाग्राम पेज से ही मैंने परचेज किए हैं, वो हैं ये बैंगल्स. एक मैंने यहाँ पर हाथ में पहना हुआ है. ये 4 बैंगल्स थे और इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 450 रुपीज़ है एंड आई लव दीज. मैं अगर इसमें ब्लैक कलर के स्टोन्स होते तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते, बट ये भी कुछ बुरे नहीं लग रहे. अगर इस तरह के ब्लू होते सिर्फ एक कलर में, इस तरह के ग्रीन कलर के, तो भी बहुत प्यारे लगते, बट ये भी कुछ बुरे नहीं लग रहे, बहुत ही प्यारे. लाइक अगर आप मैरिड हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे आपके हाथ पे. देन ट्रेडिशनल कपड़े हों और झुमके ना हों उसमें तो फ़ायदा. तो नेक्स्ट पेयर ऑफ झुमकास जो है वो है ये फ्रॉम अगेन इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड जरमीना उमैर फॉर इंस्टाग्राम पेज से, सेम फोक बाय जरमीना उमैर के पेज से ये मुझे रिसीव हुए हैं. बहुत ही खूबसूरत झुमके हैं ये एंड आई लव दैट. अच्छा, तो नेक्स्ट जो इयररिंग्स मैंने ख़रीदे हैं वो मैंने खुद ख़रीदे थे स्टाइलो से, बिकॉज़ ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे थे तो ये मैंने ख़रीद लिए थे. इसकी प्राइस क्या थी, खुदाया एक तो मुझसे प्राइस भूल जाती है. मेरे ख्याल से इसकी प्राइस थी 799 रुपीज़. यस, इट वॉज़ लाइक 799 रुपीज़. बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिंग भी मैंने स्टाइलो से ख़रीदी थी. बहुत ही प्यारी रिंग है ये. देन मैं आपको दिखाऊंगी अपनी परफ्यूम्स जो मैंने ख़रीदी हैं. फर्स्ट वन इज़ वीवा ला ज्यूसी कटोर की रोज़. तो ये परफ्यूम मैं आपको दिखाऊंगी. इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़, बट द गैलरी पे जो है सेल लगी हुई थी तो ये मुझे 8,800 रुपीज़ की पड़ी है. लाइक मुझे अच्छा खासा जो है मेरे पैसे बच गए. तो इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही फ्रेश है, रोज़ेस जैसी स्मेल है इसकी. लाइक बहुत ही प्यारी स्मेल है, डिसेंट स्मेल है इसकी. लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है. मुझे परफ्यूम्स डिफाइन करना नहीं आता, पर इस पर लिखा हुआ था लाइक फ्लोरल काइंड ऑफ स्मेल है इसकी. लाइक गर्मियों के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है एंड आई लव इट. एंड द पैकेजिंग इज लश पश. तो जो सेकंड परफ्यूम मैंने परचेज़ किया है वो मैंने जे डॉट से परचेज़ की थी. 14 अगस्त को चल रहा था 25% ऑफ आज़ादी सेल चल रही थी फ्लैट, तो वहाँ से मैंने परचेज़ की वसीम अक्रम 502 फॉर हर. लाइक लेडीज़ परफ्यूम मैंने सेलेक्ट की ये परफ्यूम. इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. ओपन करते ही कुछ ये इस तरह से दिखती है. पैकेजिंग सो गुड एंड इट स्मेल्स रियली रियली गुड. सेम इसकी भी फ्लोरल सेंट है बट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसकी. और इसकी प्राइस जो थी लाइक कंसेशन के बाद, लाइक 25 फ्लैट ऑफ के बाद ही मुझे 2500 रुपीज़ का मिला था एंड आई वॉज लाइक येस आई नीड इट. जो नेक्स्ट परफ्यूम मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ना गर्ल्स, अगर ये आप लोगों ने नहीं ख़रीदी तो
गेट इट ऑन माई रिकमेंडेशन. फर्स्ट, एक तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, और सेकेंड जो इसकी स्मेल है ना, उफ कमाल की फ्रूटी स्मेल है, लाइक वो कैंडीज और बबल गम्स की तरह स्मेल है इसकी. और ये परफ्यूम है फ्रॉम मिनीसो पिंक लव परफ्यूम. सो गुड, सो गुड, गेट इट गर्ल्स ऑन माई रिकमेंडेशन. इसकी प्राइस है 1100 और 1200 समथिंग, सुपर रीजनेबल प्राइस. और इसकी स्मेल जो है, यानी सेंट जो है इसकी, वो ठीक ठाक लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक इतनी जल्दी जाती नहीं है. ओ माई गॉड, मिनीसो की जो बाकी परफ्यूम्स हैं वो भी मैंने चेक की हैं, उनकी सेंट मुझे नहीं अच्छी लगी, लाइक आई डोंट लाइक देम. जो मुझे पसंद आई सिर्फ और सिर्फ ये परफ्यूम मुझे पसंद आई है, एंड आई वाज लाइक तो बाकी प्रोडक्ट्स भी मैं आपके साथ साथ दिखाती हूँ जो कि मैंने मिनीसो बॉडी शॉप वगैरह से ख़रीदे हैं. बट फर्स्ट मैं आपको परफ्यूम्स दिखा दूँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाऊँगी. तो किधर गई भाई बॉडी शॉप की बनी हूँ. अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये वाली परफ्यूम आप लोग के साथ शेयर करूँ. दिस वन इज़ कॉल्ड इनकॉग्निटो बाय ओरिफ्लेम. तो ओरिफ्लेम की सारी परफ्यूम्स मेरे पास अवेलेबल थी, लाइक जो मैंने खुद परचेज की थी उधर से trendify.pk से. तो सिर्फ ये वाली परफ्यूम मेरे पास नहीं थी, तो आई थॉट ये भी मेरे कलेक्शन में होना चाहिए, तो मैंने ये परचेज़ की. एंड टेल यू गर्ल्स, इसकी स्मेल जो है ना, लिटरली सो अमेजिंग. और उनकी वेबसाइट पे जो है वो 65% ऑफ चल रहा है परफ्यूम्स पे, और यानी मेरा कोड यूज़ करने पर यू विल गेट 10% और भी ज़्यादा डिस्काउंट. तो गेट इट, 4 परफ्यूम्स हैं लेडीज़ के लिए, और चारों की चारों जो हैं वो मेरे पास हैं, एंड स्मेल्स सो गुड. तो बॉडी शॉप की परफ्यूम जो मैंने परचेज़ किया है वो है जापनीज चेरी ब्लॉसम स्ट्रॉबेरी किस परफ्यूम. ये वाली परफ्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है हर वक्त, बट आई गॉट इट फ्रॉम गीगा मॉल, एंड इट स्मेल्स सो गुड, लाइक स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश सी स्मेल है. इसको स्मेल करके, यानी जब मैं इसे स्मेल करती हूँ, मुझे वो चाइना की गलियाँ याद आ जाती हैं, लाइक इट स्मेल्स सो रिफ्रेशिंग एंड सो गुड. तो इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, और इसकी प्राइस थी 4000 समथिंग रुपीज़. तो जे डॉट पे 25% फ्लैट लगा था, तो मैंने अपनी जीजो के लिए भी एक परफ्यूम ली. दिस इज़ कॉल्ड वोकल, और इसकी जो प्राइस है वैसे तो ये 4800 रुपीज़ है, बट फ्लैट डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिला है 3360 रुपीज़ का. एंड तो अब बात करते हैं भाई, मैंने बॉडी शॉप से और क्या ख़रीदा. सो बॉडी शॉप से जो है ना, मैंने ख़रीदी हैं 10,990 रुपीज़ की, मैंने ये चीज़ें ख़रीदी थी. लाइक इस परफ्यूम की जो प्राइस है, क्योंकि मैंने कार्ड से पेमेंट की थी और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसकी प्राइस ही 1600 रुपीज़ समथिंग. और ये फेशियल मिस्ट है, लाइक अगर आपने मेकअप कुछ नहीं किया और आप सिर्फ स्प्रे करोगे अपने फेस पे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग थिंग है. एंड इसकी स्मेल सो गुड, लाइक अगेन मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उठाया जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है. इसमें एलोवेरा वाला स्प्रे भी है, मिस्ट, इसको मिस्ट बोलते हैं, फेशियल मिस्ट, और ऑरेंज मिस्ट भी है इसमें. काफ़ी सारे, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, एंड आई लव दिस वन. मैं इसे ट्राई करूँगी और इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि इसको मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लिया है, इसको और मिनीसो के मिस्ट को, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे को. नेक्स्ट थिंग जो मैंने परचेज किया है वो है बॉडी शॉप चाइनीज जिंगसिन एंड राइस क्लिफाइंग पॉलिशिंग मास्क, लुक्स लाइक दिस. इसकी इसकी प्राइस जो थी 4000 समथिंग इस मास्क की. ये रहा इनका मास्क, और इसको एक बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, एंड आई लव इट, क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है ब्राइटन अप कर देता है. एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको ऑल रेडी. तो मिनीसो से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं. फर्स्ट थिंग जो मैंने ख़रीदा है वो है हिब्बा के लिए एक छोटू सा बैग, जो कि मेरे ख्याल से मुझे 349 रुपीज़ का पड़ा है, एंड आई लव दिस. फिर जो मेरी फेवरेट चीज़, जो कि मैं रिसेंट अपनी वीडियो में भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये है मिनीसो का मॉइस्चराइजिंग स्प्रे वाटरी, ग्रेप सीड का है, और सूदिंग फॉर योर स्किन. 180 ml आपको मिलेगा इस पे. एक्चुअली ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिस तरह की होती है, ये स्प्रे फॉर्म में है. लाइक आप सिर्फ अपने फेस पे जो है स्प्रे करते हो. यू कैन यूज़ इट फॉर योर होल बॉडी,
यू गाइज, दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट. और इसकी प्राइस है 249 रुपीज़. लाइक 249 रुपीज़ कुछ भी नहीं है फॉर इतनी बड़ी बॉटल. लाइक आप इसे अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हो, आप अपने फेस पे इसे यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट फॉर योर फुल बॉडी. दिस इज़ अ मॉइस्चराइजिंग स्प्रे, जैसे कि एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, सेम लाइक दैट. तो ये ग्रेप सीड में था, और एक और भी है, आई थिंक वो लेमन फ्लेवर में था. वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है. मैंने ये पिक किया क्योंकि स्मेल्स लाइक ग्रेप्स एंड इट्स सो गुड. तो भाई मिनीसो से मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तो भाई मिनीसो ने 14 अगस्त पे मुझे गिफ्ट भी दिया, जो कि है ये सनस्क्रीन, जिसमें है SPF 28 PA++++, और एक्वा फार्मूला है इसका. मतलब स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, वॉटरी है, और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में. फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है. तो मैंने ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स खरीदी हैं, जो कि हैं जेफ्री स्टार की मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स. एक्चुअली तो ये 4 हैं, लेकिन एक हिबा ले चुकी है और एक उसके पास है. तो ये मुझे 1300 रुपीज़ ईच की मिली है, यानी एक लिपस्टिक. ये इंस्टाग्राम पेज भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जहाँ से आप ये ख़रीद सकते हो. अभी जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो है कैलाबेसिस, मैंने अप्लाई किया अपने लिप्स पे. तो फर्स्ट शर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने सो कमाल से ख़रीदी, और इसकी प्राइस थी 1100 रुपीज़, जो कि मैंने अपनी नेचुरल अफोर्डेबल ईद मेकअप लुक में भी आप लोग से शेयर की है. वो है दिस शर्ट, जो कि बहुत ही प्यारी लॉन की प्रिंटेड शर्ट है, और इसके बाजू लुक्स लाइक दिस, बहुत ही क्यूट. फर्स्ट शर्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है फ्रॉम लाइमलाइट, और ये सिल्क कलेक्शन में से थी, जो कि मैंने अपनी ईद लुक में भी पहनी थी. आप देख सकते हो कि इसकी दोनों साइड जो हैं वो ड्रूपी हैं. लाइक अब मुझे पता नहीं इस शर्ट को बोलते क्या हैं. इसके साथ मैंने ये दुपट्टा ख़रीदा था, अगेन फ्रॉम लाइमलाइट. आप देख सकते हो इस छोटे छोटे से इस पर डायमंडीज लगी हुई हैं. और शर्ट की प्राइस जो थी वो थी 3500 रुपीज़, बट दुपट्टा अलग से जब मैंने ख़रीदा इट कॉस्ट मी 990 रुपीज़. लाइक टोटल करके कुछ 5000 का पड़ा था मुझे ये सूट. नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सिल्क वाली जो थी वो सिर्फ शर्ट थी, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये है फ्रॉम जे डॉट, 25% ऑफ था, इट कॉस्ट मी 3000 समथिंग. और ये 3-पीस सूट है, आप देख सकते हो इसके बाजू जो हैं लुक्स लाइक दिस, और इसके दामन पे जो है बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग हुई भी है, और नीचे भी इसके बहुत ही प्यारी नेट लैस लगी है. स्टफ़ जो है वो है प्योर लॉन का स्टफ़ है. इसके साथ शेफून का प्यारा सा दुपट्टा है, शेफून का दुपट्टा है इसके साथ, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है. और इसके साथ ब्लैक प्लेन ट्राउज़र्स हैं. सो जो थर्ड शर्ट लाइक 3-पीस सूट है वो अगेन फ्रॉम जे डॉट से ख़रीदा है मैंने. इसके बाजुओं पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग हुई हुई है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. अगेन इसके नीचे बॉर्डर जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है इसका, आप देख सकते हो सी थ्रू नेट लगी हुई है यहाँ पर इस एरिया पे, यहाँ पे ये लॉन लगी हुई है, इधर ये नेट पीस लगा हुआ है, और नीचे भी नेट बॉर्डर लगा हुआ है साथ में. इसके साथ भी प्लेन ब्लैक कलर की शलवार है. इसकी बैक जो है लुक्स लाइक दिस, और इसका दुपट्टा जो है वो इज समथिंग लाइक दिस. बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड दुपट्टा है इसका, और इसके साथ ये प्लेन शलवार. जो नेक्स्ट शर्ट है वो अगेन फ्रॉम जे डॉट के प्रिंट कलेक्शन में से है, और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा फिरोजी कलर का ड्रेस है, और इसकी प्राइस थी 7000 समथिंग, और 7490, और ये मुझे 5000 समथिंग का पड़ा है. इसके गले में बहुत ही प्यारी डिटेलिंग हुई हुई है. आई एम सो सॉरी, हिबा ने हल्ले मचाए हुए बैकग्राउंड में. इसके बाजू पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी ये लैस लगी हुई है. दामन जो है वो आधा आके यहाँ पे सी थ्रू है, यानी ये ऑर्गेंजा लगा हुआ है यहाँ पे, बट इसकी जो ट्राउज़र है वो सेम इसी कलर में है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, या कोई दिखता नहीं है ऐसा कि आपने लाइक बहुत ही शॉर्ट सी कुछ शर्ट पहनी हुई है. डिटेलिंग आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत 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 ड्रेस है ये. आप देख सकते हो साइड पे ये लैस, और बैक से कुछ ये इस तरह की लगती है.
तो इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है और ट्राउज़र के एंड्स पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। दुपट्टा जो है इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा दुपट्टा है, आप देख सकते हो, लुक्स लाइक दिस। बरोशे का समथिंग काम हुआ हुआ है इस पर और ये ईद वाले दिन पहनूंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मैंने बहुत सारा सामान अभी दिखाया भी नहीं है, वो मेकअप जो मैंने ख़रीदा है, बट वो भी आप बहुत जल्द देख लोगे मेरी बाकी वीडियोज़ में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सारी चीज़ों की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। डू चेक इट आउट एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।